में भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हवाई अड्डों में से एक है। वर्ष 2017-18 के दौरान ये हवाई अड्डा 30 लाख से भी ज्यादा घरेलू यात्रियों को 37.1% की वृद्धि दर के साथ और 91,000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 218.4% की वृद्धि दर के साथ संभालने में सफल रहा। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भुवनेश्वर हवाई अड्डे में कई विकास कार्यों की योजना बनाई है। हवाई अड्डे पर समानांतर टैक्सी ट्रैक और 8 अतिरिक्त पार्किंग बे का निर्माण 147.08 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। 75 करोड़ रुपए की लागत से ATC टावर तकनीकी ब्लॉक, नए फायर स्टेशन और हैंगर का निर्माण भी प्रगति पर है। बढ़ते यात्री यातायात को संभालने के उद्देश्य से मौजूदा टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच एक लिंक बिल्डिंग का 87.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। लिंक बिल्डिंग, समानांतर टैक्सी ट्रैक और 8 अतिरिक्त पार्किंग बे के निर्माण कार्य के लिए आज आधारशिला रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त भविष्य में 58,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक नए घरेलू टर्मिनल की 935.40 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने की योजना है, जो प्रतिवर्ष 88 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा ओडिशा के पावर हाउस के नाम से प्रसिद्ध झारसुगुड़ा में 210 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया गया है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। एयरबस 320 किस्म के विमानों की उड़ान के लिए तैयार किया गया झारसुगुड़ा हवाई अड्डा व्यस्ततम समय में 300 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के दूसरे चरण के अंतर्गत झारसुगुड़ा के लिए एयरलाइंस से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। ओडिशा के अन्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए राउरकेला, उत्केला और जयपुर हवाई अड्डों पर विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनकी अनुमानित लागत 114 करोड़ रुपए है। ओडिशा के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण लगभग 1,550 करोड़ रुपए की लागत से विमानन आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रहा है।